प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मम्मी, मम्मी। हाँ आ गए दीक्षा। हाँ मम्मी, ये लो। ये क्या है? मेडल। ओहो, तुझे मिला? हाँ मम्मी। संभाल के रखना मम्मी। हाँ हाँ, मिलना ही चाहिए, मेरा बेटा बहुत होशियार है। हाँ, टप्पू के पापा को पहले यह खुशखबरी देती हूँ। मम्मी, मैं खेलने जा रहा हूँ। अरे पर कुछ खाना तो खा लो टप्पू। मैं आके खाऊंगा टप्पू। ये लड़का बेटा। हाँ बोल दे। हाँ टप्पू के पापा, सोचिए मैंने आपको क्यों फोन किया है? हैं? अरे सोचिए सोचिए क्यों फोन किया है? अरे भाई तो यार धंधे का टाइम पे क्या टाइम पास कर रहा था, बोल ना फोन क्यों किया। अरे ब्लैक जरा सोचिए ना क्यों फोन किया है। चलो जय जिनेंद्र। अरे रुकिए रुकिए। हाँ बोल। मुझे आपको एक खुशखबरी देनी है। खुशखबरी है? बताइयो सेठी, बताइयो। थैंक यू। अरे एक मिनट, क्या बताइए? एक मिनट शांति रखे नंदू काका। क्या भाई, क्या खुशखबरी है? अरे हमारे टप्पू को स्कूल में मेडल मिला है। क्या बात कर रहे थे? टप्पू को स्कूल में से मेडल मिला है? और ये तो बहुत बढ़िया खुशखबरी है दया। ये सुन के तो मेरी छाती चौड़ी हो गई। बिल्कुल वापर गया है। क्या? कुछ नहीं, आप आते वक्त टप्पू के पसंद की मिठाई लेकर आना। अरे ये भी कोई बोलने की बात है दया, जरूर लेके आऊंगा उसके लिए मिठाई। और आज उल्टा मैं घर जल्दी भी आ जाऊंगा। ओके, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। नटो काका, सुना आपने? सुना सुना सेठ जी, मैंने सुना है टप्पू सेठ को मेडल मिला। सेठ जी, आज मेरी तरफ से टप्पू सेठ के लिए 1 किलो मिठाई लेके जाइएगा। तो आपको भी मेरी तरफ से 2 किलो मिठाई। थैंक यू। टप्पू कहाँ? टप्पू मेरा बेटा। आजा बेटा, आजा। अरे आ गया, आजा बेटा। टप्पू बेटा इधर आजा मेरे पास। वाह वाह मेरा बेटा, वाह। आ तूने मेरी छाती चौड़ी कर दी। गला मिल बेटा, गला मिल। अरे तू क्या उधर खड़े, तू भी गला मिल, आजा। अरे बेटिया क्या बात है, आज सब लोग एक दूसरे के गले लग रहे हैं। अरे बापूजी आप सुनेंगे तो आप भी मुझे गले लगा लेंगे। अच्छा, ऐसा क्या किया है तूने भाई? नहीं नहीं मैंने नहीं बापूजी, बापूजी को नहीं पता। टप्पू का मेडल मिला है बापूजी। हैं? हाँ टप्पू ने तुझे मेडल मिले? हाँ दादाजी। अरे वाह, उतरे उतरे। इसकी नम्रता तो देखो। हाँ दादाजी, चल जीवता रे जीवता रे। अरे टप्पू बेटा, आ तूने गड़ा खानदान का नाम रोशन कर दिया बेटा।
देख इस खुशी के मौके पर मैं तेरी फेवरेट मिठाई लेके आया हूँ। ले ले ले। पापा ये सारी मिठाई मैं खाऊंगा। बापू बेटा मेरे बापू जी को खिला। राजा टप्पू बापू जी का पैर छू बेटा। खूब तरक्की कर। टप्पू बेटा तुम्हारा मेडल तो दिखा। हाँ ले बोलो। ये सब बातों में मेडल देखने का तो रह गया। ला ला बेट। ओ हो मेडल बहुत बढ़िया है। नहीं जरा देखे थे बापू जी। अरे टपुड़ा ये मेडल ऐसा पुराना क्यों लग रहा है? दादाजी जब मुझे मेडल मिला तब से ऐसा पुराना ही है। बोलो ये क्या बात हुई? ये स्कूल वाले भी गजब है बापू जी। बच्चा समझ के पुराना मेडल दे दिया। ऐसा थोड़ी होता है। वैसे किस बात के लिए स्कूल से मेडल मिला तुझे बेटा? स्कूल में से? पापा ये मेडल मुझे स्कूल में से नहीं मिला। तो वो पापा स्कूल से आते वक्त रास्ते में मिला। कौन खड़ा रहता है रास्ते में ऐसा मेडल बांटने के लिए? ये मेडल मुझे किसी ने दिया नहीं है, ये तो रास्ते में पड़ा मिला। रास्ते में पड़ा मिला मतलब? अरे भाई मिठाई बाद में खा, तू पहले बता क्या है। मम्मी पानी। अरे पानी बाद में पीना भाई, तू बताने पहले ये चक्कर क्या है मेडल का? दादाजी मैं जब स्कूल से वापस आ रहा था तब मुझे रास्ते में पड़ा हुआ दिखा तो मैंने उठा लिया। तो तूने मुझे दुकान में फोन करके ऐसा क्यों बोला कि हमारे टप्पू को स्कूल में से मेडल मिला है? टप्पू तूने ऐसा मुझे क्यों बोला? मम्मी मैंने कहा ऐसा कुछ बोला? नहीं बोला? नहीं। हाँ, टप्पू स्कूल से आया ना तब उसके हाथ में मेडल था, इसलिए मुझे लगा कि उसको और स्कूल से मिला होगा। इसमें मेरी क्या गलती है बापू जी? अरे बेटा ये मेडल कुछ अलग लग रहा है, जरा देख। अरे बात हो रहा है ना भाई, ये देख ये कोई मामूली मेडल नहीं लग रहा, इसमें अशोक स्तंभ है। ये तो भारत सरकार ने दिया हुआ कोई बड़ा मेडल लग रहा है। तो बापूजी ये इतना बड़ा मेडल ऐसा रास्ते में? हो सकता है जिसका हो उससे गिर गया हो। तो फिर तो हमें पता लगाना चाहिए किसका और उसको वापस लौटाना चाहिए। हाँ लेकिन किसका है वो पता कैसे चलेगा? बाबूजी मेहता साहब को पूछो। नहीं उनका नहीं होगा। पूछ मेहता को पूछ। शायद हाँ। हेलो मेहता साहब, जेठालाल बोल रहा हूँ। किधर है आप? घर पे? हाँ एक थोड़ा काम था। कोई बात नहीं, आप खाना खा लो, मैं आधा घंटे बाद आता हूँ। हाँ मतलब ऐसे थोड़ा अर्जेंट तो है, तो कोई बात नहीं आप खाना खा लो, मैं आता हूँ आधे घंटे बाद। हाँ ओके ओके। बेटा तब तक तू भी खाना खा ले, बहू खाना लगा। हाँ बापूजी। अरे जेठा भाई आप? नमस्ते अंधी भाभी। आइए। जेठालाल मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सॉरी मेहता साहब आपको जरा तकलीफ दे रहा हूँ। नहीं तकलीफ तो नहीं लूंगा। अरे भाई तुम्हारा घर है यार, कैसी बातें कर रहे हो? रिलैक्स करो, बताओ क्या बात। ये देखो जेठा लाल यहीं पे। ओ जेठा लाल। जेठा लाल एक मिनट ना जरा। आइए आइए बैठिए। पूरी टीम है। अच्छा अंजलि भाभी ये माधवी ने प्रोग्राम की लिस्ट दी है। अरे हाँ मैं पढ़ लेती हूँ, थैंक यू। अच्छा हुआ जेठालाल तुम यहीं मिल गए, हम तुम्हें फोन करके बुलाने ही वाले थे। क्यों? नहीं वो क्या है जेठालाल, 26 जनवरी का प्रोग्राम है, उसके लिए कुछ बात करना था। अच्छा मेहता साहब हम जो प्रोग्राम करने वाले हैं ना तो उस प्रोग्राम के बाद बाद में, पहले मैं इधर आया हूँ, मुझे मेहता साहब से कुछ जरूरी बात करनी है, मैं कर लूँ जरा? हाँ कर लो।
हाँ जेठालाल, क्या अर्जेंट बात है? तुम फोन पे भी कर रहे थे, कुछ अर्जेंट है भाई, बताओ क्या टेंशन हो गया है? कोई टेंशन की बात नहीं, बैठ जा भाई, बैठ जा, कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं तो सर, आप ये देखिए जरा मेडल। ये मेडल किसका है जेठालाल? पता नहीं, तुम्हें कहाँ मिला ये? टप्पू स्कूल से आ रहा था तो उसको रास्ते में पड़ा हुआ मिला। ओ हाँ, सोनू बता रही थी कि आज टप्पू को कोई रास्ते में पड़ा हुआ मेडल मिला। ये वही है क्या? हाँ यही, इसको मैं दिखाऊं भाई, यही दिखाऊं। नहीं नहीं ठीक, जेठालाल तुमने ध्यान दिया इस पे अशोक स्तंभ बना हुआ है? प्रभु वही, वो अशोक स्तंभ देख के ही मैं एकदम चौंक गया मेहता साहब। असल में भारत सरकार बहादुरी के लिए जो मेडल्स देती है उनमें ये अशोक स्तंभ बना हुआ होता है। हाँ मेहता साहब, मुझे भी ये भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला कोई बहादुरी का मेडल ही लग रहा है। देखूं तो? वाह मेहता साहब, मेरा फीलिंग भी सेम टू सेम है। मैं भी मेडल देखते ही समझ गया था कि ये कोई बहुत अमूल्य मेडल है। मेहता साहब जो भी हो, ये जिसका भी मेडल हो मैं पता लगाना चाहिए। क्या जिसका खो गया हो वो बेचारा ढूंढ रहा हो इसे? एग्जैक्टली, शाबाश जेठालाल। मेरा साहब मैं क्या बोलता हूँ, ये मेडल हमको पुलिस को दे देना चाहिए, फिर पुलिस ये मेडल जिसका होगा उसको ढूंढ कर दे देगी। हाँ लेकिन पहले मैं एक बार नेट पे ये देख लूं कि आखिर ये मेडल है कौन सा। देखिए देखिए, शायद नेट से कुछ पता चल जाए। हाँ पता चल जाए तो बढ़िया है ना, तो क्या हम उसको हाथों हाथ जाकर दे सकते हैं? पुलिस में जाने की जरूरत ही नहीं। शाबाश जेठालाल। बिल्कुल ठीक कहा जेठालाल, और 26 जनवरी हमारे गणतंत्र दिवस के दिन यदि जिनका ये मेडल है उन्हें हम वापस लौटाएंगे तो उन्हें तो उनका खोया हुआ सम्मान मिलेगा ही, हम गौरवान्वित होंगे। क्या बात है? नेट पे ढूंढ के देखता हूँ। देखिए देखिए, शायद नेट से कुछ पता चल जाए। कंप्यूटर फास्ट चलो दोस्त। एक क्लू तो मिल गया जेठालाल। कौन मिल गया? सूत्र मिल गया, मतलब सिरा मिल गया। क्या है? देना। इस पे मुझे बहुत हल्का हल्का 1999 लिखा हुआ नजर आ रहा है। देखो मैं काम करता हूँ, मैं सबसे पहले नेट पे ये ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि 1999 में ये पदक किस किस को मिला था, फिर शायद हम सही नाम तक पहुंच जाए। बराबर, ये एकदम बराबर है। मेहता साहब इस पे कोई सीरियल नंबर नजर आ रहा है धुंधला सा। कोई नाम लिखा हुआ है क्या? देखो तो। नहीं नाम तो नजर नहीं आ रहा, देखिए आप। देखिए देखिए, शायद कुछ पता चल जाए। हाँ अब हमें दो क्लू तो मिल गए, 1999 और ये सीरियल नंबर। मैं थोड़ा सा टाइप करके देखता हूँ कि कहाँ तक पहुँच पाते हैं हम। लेकिन जेठा भाई, बहादुरी का मेडल यूं सड़क पे पड़ा मिले, बड़ी ताज्जुब की बात है ना? ताज्जुब की बात नहीं अंजलि बाबी, बस शर्म की बात है। हाँ और नहीं तो क्या? अरे हमारे सैनिक जो बहादुरी से लड़कर ऐसे मेडल पाते हैं, उस मेडल की ऐसी अवस्था? वही तो। Oh my God, क्या हुआ? अरे भाई इससे रिलेटेड तो लगभग 50 लिंक्स और 2000 आर्टिकल्स हैं। वो तो पता नहीं चलेगा किसका मेडल है। पता तो करना पड़ेगा जेठालाल, हमें ये सम्मान और पदक उन्हें उन तक पहुंचाना है। काम मुश्किल जरूर है लेकिन असंभव नहीं है। मैं काम करता हूँ, मैं एक एक करके ये सारे लिंक्स और आर्टिकल्स पढ़ता हूँ। आज हमें पता लगाना ही है कि ये पदक किसका है। अंजलि तुम सबके लिए कॉफी बनाओ ना प्लीज। अरे हाँ हाँ, मैं सबके लिए कॉफी लाती हूँ। अरे नहीं नहीं मेहता साहब, रहने दो, अंजलि बाबू का कत तकलीफ दे रहे हैं। भाई इसमें तकलीफ किस बात की? तो ठीक है अंजलि बाबू, आधा आधा कॉफी रखना। क्यों भाई आधा क्यों, मुझे पूरा कप पीना है। अंजलि भाभी आप हम सबके लिए पूरा कप बनाइए, सिर्फ इसके लिए आधा कप। अरे पोपटलाल आओ देना। मैं सबके लिए अच्छे से कॉफी बना कर लाती हूँ, ठीक है? आप देखिए जरा। हाँ भाई, कॉफी पे हम डिस्कस बाद में कर लेंगे, पहले ये कर लें। आइए
अचानक है, कहीं लेट हो रहा है? नहीं नहीं, बहुत देर हो गई ना, इसलिए देखा कितना मजा। कॉफी। क्या कुछ पता चला? थैंक यू, बस ढूंढ रहे। हाँ ये लीजिए, तारक। वाह, बाप रे, ये तो आधा ही होता तो अच्छा था। गरम है भाई। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आखिर पता चल ही गया कि ये पदक किसका है। अरे वाह, किसका है? कर्नल प्रताप सिंह राठौड़। कर्नल प्रताप सिंह राठौड़, तो उनका कुछ पता है इसमें? पता लिखा हुआ तो नहीं है जेठालाल, लेकिन ये नेट बहुत कमाल की चीज है। मैं अभी ये नाम टाइप करके सर्च करता हूँ, शायद इनका परमानेंट एड्रेस निकल आए। बात है। अरे भाई, ये तो मुंबई में ही है, गोरेगांव वेस्ट का एड्रेस है। काफी हमारे। अरे वाह मेहता साहब, थैंक यू। बस तो फिर कल सुबह ही हम दोनों जाके ये मेडल उनके हाथों देकर आते हैं। एग्जैक्टली, सिर्फ मेडल ही नहीं लौटाएंगे बल्कि हम खुद गौरव महसूस करेंगे। भिड़े, तुम भी चलो ना। हाँ हाँ बिल्कुल, वैसे भी कल सुबह मुझे ट्यूशन नहीं है। दादा आना तो मैं भी चाहता था, लेकिन कल ऑफिस में मुझे अर्जेंट काम है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। हाँ सॉरी दोस्तों, मैं भी कल नहीं आ पाऊंगा सुबह, वो मुझे भी प्रेस जरा जल्दी जाना है। नहीं ऐसा सबका होना जरूरी नहीं है। वैसे तो मैं और मेहता साहब ही जाएंगे तो चलेगा, लेकिन अभी मेहता साहब ने भीड़ को बोल दिया तो भले वो भी आता। ऐसा सबको आने का ऐसा कोई वो जरूरी नहीं है। ठीक है ठीक है, चलो मेहता साहब तो निकले। चलिए फिर मेहता साहब, चलते। गुड नाइट। हाँ चलो, कल मिलते हैं। थैंक यू फॉर द कॉफी अंजलि भाभी। हाँ थैंक यू, मजा आ गया। वेरी गुड तारक, तुमने बहुत अच्छा काम किया। आप सभी देशवासियों को हम सब की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे राष्ट्रीय उत्सव स्वाधीनता दिवस, गणतंत्र दिवस, हमारे देश के शौर्य वीरता और बहादुरी के प्रतीक। वैसे शौर्य वीरता और बहादुरी का एक प्रतीक इस वक्त मेरे हाथ में भी है, एक मेडल। एक मेडल जिसके लिए कर्नल प्रताप सिंह राठौड़ जैसा हमने जाना, न जाने कितनी वीरता के कारनामे उन्होंने किए होंगे जिनकी वजह से ये मेडल उन्हें मिला, लेकिन ये मेडल इस वक्त मेरे हाथ में है और हमने तय किया है कि हम ये मेडल उनको जाके लौटाएं। एक बहुत रोमांच की भावना मेरे अंदर इस वक्त है, समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसे कैसे व्यक्त करूं। बचपन में मैं बहादुर के किस्से सुना करता था, बचपन में पढ़ा करता था कि बहादुर नौजवान, बहादुर सैनिक अपने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं, कुछ ऐसा कारनामा कर दिखाते हैं कि उन्हें शौर्य और वीरता के लिए पुरस्कार मिलते हैं, मेडल मिलते हैं। और वो मेडल राह में मिला टपू को, और वो मेडल पहुंचाना है हमें कर्नल प्रताप सिंह राठौड़ को। अब सोचिए कि ये मेडल के हकदार जब इस मेडल को पाएंगे तो हमारा स्वागत किस तरह से करेंगे, जब हम उनके पास जाएंगे तो क्या होगा, ये मेडल उनके हकदार तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, क्या होने वाला है आगे। बेहद जबरदस्त रोमांच आने वाला है तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। बस देखते रहिए और सोचते रहिए कि शौर्य और वीरता का प्रतीक उन तक पहुंचेगा या नहीं जिसके की हकदार है वो। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।